नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टेलीविजन पर। धन्यवाद प्रेम जी। पहला सवाल आपसे तो ये है कि आप किस तरह से अपने आप को इस कोरोना जैसी बीमारी से सुरक्षित रखे हुए हैं? तो सर, डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का कारण दूरी बनाए हुए ने काम जारी है। कृषि क्षेत्र में हमारे राज्य में और भी गेहूं की फसलों का हार्वेस्टिंग शुरू हो गया है अगर, और हम लोग वहां पर एडवाइजरी भी जारी किया है मजदूर किसान भाइयों को, मजदूरों को, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो एडवाइजरी में जारी किया तो कहा है कि अब अलग अलग होकर औजारों को साफ कर, हाथ को साबुन से साफ कर और कपड़े का काम करें। अभी इस स्थिति में जब लॉकडाउन है तो किसानों के लिए सरकार की तरफ से मतलब क्या है एक्शन प्लान सरकार के पास कि किसानों को कैसे मदद पहुंचाया जाए? अभी तो पहला काम हमारा है कि रबी के फसल में तिलहनी दलहनी फसलों का लगभग कटनी हो चुका है और गेहूं के फसलों का कटनी जारी है। अगर तो बिहार में फसलों का हार्वेस्टिंग चल रहा है, शुरुआत में परेशानी हुई परंतु सब ठीक है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य को लॉकडाउन समाप्त किए जाने के फलस्वरूप बहुत हद तक समस्याओं का समाधान हुआ है। राज्य में फसलों के कटनी के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने हेतु कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई तथा एडवाइजरी का अनुपालन हेतु कृषि विभाग के पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार, कृषि समन्वय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ATM, BTM ये सबको निश्चित किया गया है। वो किसानों को सहयोग कर रहे हैं और हमारे राज्य के जो 534 प्रखंड हमारे जा करके हैं, सभी प्रखंडों में आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राज्य के 534 प्रखंड हैं, 8405 पंचायत हैं और सभी स्थानों पर हमारे किसान सलाहकार, कृषि समन्वय किसानों से संपर्क में है जाकर के, किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ जाकर के है। नहीं तो उसके बाद किसान जो तैयार करेंगे चाहे वो गेहूं हो या तिलहन जो भी हो तो उसके भंडारण के लिए क्या व्यवस्था है? भंडारण के लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि अभी जो हमारा लक्ष्य है मतलब 22,70,000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई और अभी हम लोग जो हो रहा है किसान उसे अपने घरों पर ले जा रहे हैं और बेचने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। यदि किसान बेचना चाहेंगे वहीं से उनका सामान खरीद लिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। अगर तो अभी जो एक बड़ा संकट था वो संकट टला है, मजदूर भी काम पर वापस आए हैं और हम लोग अपने राज्य के अंदर में और मैं यहाँ पर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या केंद्र सरकार के द्वारा जो MSP मतलब जो रेट है वो तय जो किया जा रहा है, क्या बिहार सरकार उस MSP पर कुछ और ज्यादा देने के लिए विचार कर रही है क्या? अभी तो भारत सरकार ने जो MSP तय किया है और हमारा जो कुल जो लक्ष्य है मतलब बिहार का 30 लाख मेट्रिक टन का जा करके और कुल किसान जो है वो हमारे करीब 2,35,986 किसान जा करते थे और अभी तक हम लोगों ने मतलब कि एकदम भारत सरकार जो रेट तय किया है उसी दर पर राज्य सरकार के द्वारा क्रय करने का योजना बनाई गई है, उसी के तहत किसानों से गेहूं खरीदी जाएगी। तिलहन का मात्रा तो कम है, जो गेहूं की जो फसल है उसके लिए जो MSP शायद 2500 रुपये प्रति क्विंटल का है। क्या आप लोग पिछली बार कह रहे थे कि शायद इस पर कुछ बढ़ाया जाएगा, तो क्या ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन है किसानों की मदद करने के लिए सरकार खुद तत्पर है तो क्या इस बार कुछ उसमें इजाफा किया जा रहा है? अभी तो जो भारत सरकार ने तय किया है उसी पर हम लोगों ने क्रय करने का प्लान किया है और आगे देखा जाएगा। अभी तो एक संकट का दौर है, संकट के दौर में मतलब पहला तो था कि भाई गेहूँ की फसलों की कटनी हो जाए, हार्वेस्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। बिहार में लगभग अभी तक करीब 45% कटनी हो चुकी है जाकर, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको अच्छा सरकार भारत सरकार का जो दर तय है उस दर पर राष्ट्र सरकार खरीदने का काम कर रही है, तो हमारा काम जारी है, कहीं दिक्कत नहीं है।
अच्छा, कुछ दिन पहले वर्षा की वजह से जो क्षति पहुंची थी किसानों को, क्या उसके लिए कुछ दिया जा रहा है उन लोगों को क्षतिपूर्ति? बिहार में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के कारण फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में किसानों का फसलों का नुकसान हुआ था, और फिर मार्च महीने के फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में तो ऐसा नुकसान जो हुआ उसका हम लोगों ने आकलन करवाया किसान सलाहकार कृषि समन्वय को द्वारा। आकलन की रिपोर्ट आ गई, हम लोगों ने कैबिनेट से उसको पास करा करके। नहीं, मेरे पास कुछ सूचना आ रही थी कि वहाँ पर किसान सलाहकार जो हैं वो सही से उसका आकलन नहीं कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं कि वहाँ पर किसान सलाहकार सही से उन लोगों का आकलन नहीं कर रहे हैं, और वह जो भी उनको उनका जो खासकर उनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं या जो मुखिया के द्वारा बताया जाता है उनका ही सिर्फ उस लिस्ट में नाम दिया जाता है, जिनका नाम उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। अगर वैसे किसानों को जिनका क्षति हुआ है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार के पास कोई ऐसा पोर्टल है जिस पर कि किसान खुद से जा कर के अपने बारे में बता सके? हम लोगों ने सभी जिलों में किसानों को मदद के लिए हेल्पलाइन जारी किया है, नंबर एक। दूसरा, हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसान भाइयों का फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे रिपोर्ट आ चुका है, ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं, और फरवरी महीने में जो नुकसान हुआ है, फरवरी महीने में जो नुकसान का हम लोगों ने तय किया है 25 अप्रैल तक हम फाइनल कर लेंगे, उसके बाद DBT के माध्यम से कृषि इनपुट सहायता उनके खाते में जाएगी। दूसरी तरफ जो मार्च में हमारा जो नुकसान फसलों किसान भाइयों का हुआ है उसका हमने तय किया 5 मई तक फाइनल कर देंगे। फाइनल करने के बाद उनके खातों में DBT के माध्यम से पिछले वर्ष की तरह भी राशि को ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जिन बातों की चर्चा आपने की है कि पिक एंड चूज नीचे के लेवल पर होता है, ऐसी शिकायत किसान भाइयों का आएगा तो निश्चित तौर पर हम उसका कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है यानी 3 मई के बाद भी अगर यह बढ़ाने की नौबत आती है तो वैसी स्थिति में जब किसानों को चाहे वो अगला जो भी फसल वो करेंगे उसके लिए क्या सरकार उनको बीज मुहैया कराएगी? निश्चित तौर पर। मेरा मतलब बीज मुहैया कराने से मेरा मतलब यह है कि फ्री में उपलब्ध कराएगी या पैसे के साथ उपलब्ध कराएगी? अभी हम लोगों ने हमारे यहाँ कई योजनाएं चल रही है, अभी गर्मा का मौसम शुरू होने वाला जाकर के, गर्मा के बाद खरीफ का मौसम आएगा जाकर, तो गर्मा और खरीफ दोनों में हम लोग की योजना है जाकर के, और उसमें अनुदान हम देते हैं जाकर के, और उसमें व्यवस्था है कि अनुदानित राशि पर मैं देता हूँ जाकर, जो किसान भाइयों को उसमें राशि लगानी है, किसी योजना में 75% का अनुदान है, किसी योजना में 50% का अनुदान है, तो अनुदान छोड़कर उन किसान भाइयों को जो पहले राशि देनी है वो जमा करते हैं और उनको हम बीज की आपूर्ति कराते हैं। और पहली बार बिहार में हमने किसानों के लिए बांका जिला से होम डिलीवरी की शुरुआत की है। पिछले गेहूं के फसल में 1500 लोगों को, और आगे हमारा प्लान है 8 जिलों में होम डिलीवरी करने का। इसके लिए जो किसान आवेदन करते हैं उनका होम डिलीवरी के लिए बिहार बीज निगम जो हमारा है व्यवस्था किया है जाकर के। तो हमारा प्रयास है कि गर्मा और खरीफ के मौसम की तैयारी कर ली गई जाकर के है, कहीं किसान भाइयों को दिक्कत नहीं होगा, और जो सरकार का अनुदानित दर है उसी दर पर उनको सुविधा उपलब्ध कराई गई। अच्छा, कोरोना से संबंधित है कुछ सवाल कि जो लोग जो कुछ मजदूर वापस आए हैं बिहार में इस आपदा की घड़ी में, तो क्या ऐसे मजदूरों के लिए भी कुछ व्यवस्था कर रही है सरकार? जो मजदूर आए हैं उनको क्वारंटाइन में रखा गया है, और उसके बाद जो नेगेटिव पाए जा रहे हैं उनको सरकार गांव में वापस भेजेगी जा करके, और निश्चित तौर पर गांव में भी हम लोगों ने मनरेगा का भारत सरकार के द्वारा कृषि मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि मनरेगा के तहत काम शुरू किया जाएगा, तो गाँव में काफ़ी काम है। अभी तो गेहूं की कटनी में काफी नहीं, मनरेगा के तरह मनरेगा के तहत जो दिया जा रहा है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि आप 3 दिन काम करेंगे तो उसके बदले 1 दिन का आपको मजदूरी मिलेगा, और वो भी 194 रुपये। तो क्या आपको लगता है कि 194 रुपये से उनका काम चल जाएगा? उसके अलावा अभी खेतों में बड़ी मात्रा में सब्जी भी हो रहे हैं, किसान उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों को अभी जो गेहूं की कटनी हार्वेस्टिंग हो रहा है वहाँ भी इस्तेमाल किया जा रहा है, किसान भाइयों को दिक्कत नहीं हो रही है, और सरकार का प्रयास है कि गांव से अब लोगों को बाहर नहीं आना पड़ेगा, गांव के अंदर में ही काम व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे उनके सामने जो बेरोजगारी के संकट थी बैठे हुए थे
काम मिल जाएगा। अच्छा, आज आप जरूरत लोग अगर कोई ऐसा काम करें जो कृषि आधारित उद्योग जो है, क्या उसको लगाने के लिए सरकार कुछ उपाय कर रही है कि कृषि आधारित उद्योग लगाए जाए जिससे कि बिहार के मजदूर बाहर पलायन करने पर मजबूर ना हो? अभी बिहार के 38 जिले हैं और 38 जिले में हमने एक फैसला लिया है, और फैसला हमारा यह है कि राज्य में जो विशेष फसल होते हैं, किसी जिले में बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है, कहीं टमाटर की खेती होती है, जगह कहीं प्याज की हाँ, खेती मेरा ज़्यादा मतलब होती वही है, था कि अगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट अगर लगाया तो जाए तो उसमें कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएंगे। हम लोगों ने विशेष फसल धान की योजना शुरू की है। जगह हमारा जो कृषि विभाग का हॉर्टिकल्चर डिवीजन है, विंग है, डायरेक्टर निदेशालय है, उनके द्वारा हम लोगों ने कहा है और उसकी तैयारी हो गई है कि लगभग उन जिलों में जहाँ विशेष फसल होते हैं उनको हम क्लस्टर में करने जा रहे हैं, और उसका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ये सब करने की व्यवस्था बनाए हैं। 10 लाख का हमारा एक यूनिट है, उसमें 9 लाख का रुपये का अनुदान है, मात्र 1 लाख रुपया लगाना होगा किसान को। इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत की है, जा करके इस योजना को हम अंजाम देने जा रहे हैं। योजना हमारी स्वीकृत हो गई है और जल्द ही जमीन को उतारेंगे हम लोग, ताकि आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है सरकार का, जा करके उसको हम चाहते हैं किसानों को जो फायदा होगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, जा करके उनके सामान के बाजार बहुत बड़ा है, बाजार पहुँचाने में मदद मिलेगी, जा करके अच्छा, हम अच्छा क्लस्टर एक में और करेंगे। सवाल ये है कि कृषि मंत्री हैं आप, तो क्या बिहार में अगर ये लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाता तो क्या बिहार में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में है? हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। आपको क्या लगता है कि बिहार में कितना अभी उपलब्ध है और कितना केंद्र सरकार से और लेने की जरूरत है? केंद्र सरकार का भरपूर मदद मिल रहा है, हमारे अनाज का दिक्कत है नहीं, राज्य सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था भी की है, और साथ साथ भारत सरकार का पूरा मदद मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अनाज का स्टॉक अच्छा है, फसल भी हमारे यहाँ अच्छा हुआ है। मैं समझता हूँ कि अन्न के मामले में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और न आने वाला दिक्कत। अच्छा, अब एक दो लास्ट सवाल है आपसे। एक तो जो कोरोना से संबंधित मरीज हैं, क्या आपको लगता है कि जो बिहार में टेस्ट जो हो रहा है वो पर्याप्त है? जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं उनका पर्याप्त टेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि अभी बहुत कम संख्या में, वहाँ पर लगभग 66 की ही संख्या है, अगर टेस्ट ही नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं? बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं, और सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग जो हमारा है बहुत बेहतर काम कर रहा है, स्थिति बहुत अच्छी जा करके है, हमारे डॉक्टर, नर्सें, स्वास्थ्यकर्मी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे सामान की जरूरत जो थी उपलब्ध कराया भी गया है, जा करके राज्य सरकार ने अपने स्तर पर भी किया है, कुल मिलाकर हमारे के स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा हो रहा जा करके है। और जो प्रभावित जिले थे सीवान में थोड़ा ज़्यादा मामला आ गया था, बेगूसराय में आ गया था, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत मामले जो हैं पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं। गया जिला में मैं देख रहा था 5 में 3 पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, जाकर एक अच्छा संकेत है, जाकर के लोग का स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, जाकर के है जो लोग संक्रमण के शिकार भी हुए थे उनको अच्छा, आपको नहीं बचाने के लगता लिए है कि ये सरकार। तबलीगी जमात वाले जो लोग गए हैं उसकी वजह से बिहार में कुछ संख्या बढ़ी है? अब बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिहार ही नहीं पूरे देश में कहिए जा करके, तबलीगी जमात वाले जो बड़ी संख्या में जिस तरह से उन्होंने मतलब हालात पैदा किए हैं, उससे समस्या खड़ी हुई जा करके, सरकार सजग है और ऐसे लोग पहचान की गई है और ऐसे लोग सरकार तलाश भी रही जा करके, कई लोगों सरकार ने उनको मतलब क्वारंटाइन किया भी जा करके है, और कई लोग मतलब फरार हैं जा करके, दिशा में भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर के ऐसे लोग की तलाश कर रही है जिनके वजह से इस संक्रमण की संख्या जो बढ़ी जा करके है और आगे कोई विशेष खतरा नहीं हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ऐसे लोग को तलाश करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है प्रेम जी, कि आप बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस वक्त कैसे अपने आप को कोरोना से बचाए? हम बिहार वासियों से ही अपील करना चाहेंगे कि वैश्विक कोरोना महामारी से जो हालात पैदा हुए हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो पहल की गई है और राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग,
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ऐसा हमारा मानना है और जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। हम फिर से जनता से अपील करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन सूत्रों को बताया है उनकी जो अपील जो आई है और उनके भाषणों में जो बात हुआ है और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको पालन करने की जरूरत है। लोग तो सहयोग कर रहे हैं और बेहतर करें तो मैं समझता हूँ। अच्छा, कि निश्चित आपको तौर पर लास्ट एक और सवाल है कि क्या आपको लगता है कि 20 अप्रैल के बाद जो कुछ शर्त के साथ छूट देने की बात हो रही है तो क्या लगता है आपको कि बिहार के मतलब कुछ जिलों को छोड़ दें जहां पर कि ज्यादा लोग संक्रमित हैं तो बाकी जिलों में छूट दी जाएगी? अच्छा होगा, जहाँ पर मतलब स्थिति अच्छी है जाकर के वहाँ पर मतलब अभी सरकार ने जब हमारे कृषि को अभी हम लोगों ने मछली या दूध के क्षेत्र में मतलब हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, लॉकडाउन से मुक्त किया गया है, लगभग प्रतिदिन 20 से 22 लाख लीटर दूध का मतलब प्रोडक्शन यहाँ पर जो हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है, मार्केटिंग की जा रही है, जाकर के दूध जो बच रहा है उसका हम पाउडर बनाने का काम कर रहे हैं, मछली का जो स्पॉन्ज होता है उसको लाने का छूट दिया गया है, मछली के दाना के परिवहन की छूट मिली है मछली बिक्री पर। तो इस तरह कुल मिलाकर छूट देने से फ़ायदा क्या होगा, ये ज़रूरी भी है कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं जा करके, और अभी मैं हमारा क्षेत्र जो मानपुर बन गया जिले का एक बड़ा क्षेत्र है जो भारत का मैनचेस्टर कानपुर है कपड़ा उद्योग के मामले में, बिहार का मैनचेस्टर हमारा मानपुर है और मानपुर में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर लगभग 40,000 मजदूर काम कर रहे हैं और लगभग हज़ारों पावरलूम और हमारे हैंडलूम से काम होता है जाकर, और वहाँ बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन होता है जो देश के कोने कोने में जाता है। अब वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के व्यवसायी जो हैं वहाँ पर जो इस काम को देख रहे हैं जाकर के, और बस उनको उद्योग सेवा समिति है उनके अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवारी से मेरी बात हुई जाकर के, और वहाँ पर बैंक की बैठक बुलाए कि अभी सरकार ने जो तय किया है सारे जो इंडस्ट्री हैं उनके मालिक को मजदूरों को वेतन और भोजन का प्रबंध करना है, वह बहुत अच्छी तरह से जो बुनकर हमारे हैं और सभी इंडस्ट्री वाले जो हैं ये लोग मजदूरों को मदद कर रहे हैं, लेकिन बिक्री तो है नहीं। बैंकर्स की बैठक 2 दिन पहले में बुलाया था और बैंकों को हमने कहा है कि उनको आप ऋण सुविधा उपलब्ध कराइए जा करके ताकि पैसे उनके पास आएंगे तो मजदूरों को भी सुविधा होगी जा करके, और आगे हम लोग लगे हुए हैं लॉकडाउन से मुक्ति अच्छा भी एक होता इसी है। से आप जब इस मुद्दे पर हैं तो एक सवाल इससे भी है कि जो केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो बैंक में सही से दिया नहीं जाता है तो आप लोग क्या बैंक के जो वरीय अधिकारी हैं उससे आप लोग कैसे क्या संपर्क कर रहे हैं कि जो किसानों को वो किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से मुहैया करा दें? अभी आप देख रहे थे कि अभी माननीय भारत सरकार के केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री जी के द्वारा और पूरे देश के सभी माननीय कृषि मंत्रियों से बात किया गया था और आज से लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है, हमने मामला उठाया था कि किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारा है उसकी प्रगति बहुत काफ़ी धीमी जा करती है और बैंकों का रवैया जो है मतलब पॉजिटिव नहीं जा करते, इसके कारण काफ़ी कठिनाई हो रही है। अब बिहार में 10 लाख का लक्ष्य था द्वितीय वर्ष 19-20 में और मात्र बना है करीब 5-11% जाकर। हमने माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का ध्यान कराया था और आग्रह हमने किया था कि जो भारत सरकार का जो नॉर्म्स है बैंकों को लागू करने का जा करके उसका यहाँ पर बैंक पालन नहीं कर रहे हैं और बैंक जी लोगों को किसानों को ऋण देने में काफ़ी असुविधा कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम पशुओं को पशुपालन का हाँ, पालन वो करने का एक्चुअल ये है कि जो राष्ट्रीय पैमाना है लोन देने का उस मामले में बिहार का जो देने का लोन देने का जो क्राइटेरिया है उस मामले में बिहार को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमने माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से हमने आग्रह किया है कि निश्चित तौर पर बिहार में बैंकों का जो रवैया है जितनी भय नहीं वो अपने स्तर से देखें जा करके और किसानों को न्याय दिलाने में मदद करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आपने समय निकाला और जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।